जलवायु परिवर्तन, शहरों की बढ़ती संख्या और पानी के अनियंत्रित प्रयोग के कारण जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। इसके परिणाम पूरी दुनिया में जल संघर्ष यानी पानी के लिए लड़ाई के रूप में सामने आ रहा है। कई देशों में इस तरह के टकराव देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच जल संसाधनों तक पहुंच को लेकर हिंसक सीमा संघर्ष में 41 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हो गए थे। पैसिफिक इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा जल संघर्ष की घटनाएं एशिया में सामने आ रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियों पर चीन का नियंत्रण है। यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश में अशांति बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यहाँ पानी के लिए संघर्ष तेज हो सकता है। इथियोपिया ने अपने क्षेत्र से बहने वाली ब्लू नाइल को बांधने के लिए अरबों रुपए की लागत से एक विशाल बांध तैयार करने की योजना बनाई है। इसके इस कदम से मिस्र में नदी का प्रवाह प्रभावित होगा। इससे दोनों राष्ट्रों के बीच अशांति बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि साल दर साल जल को लेकर टकराव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एशिया में साल 2000 से 2009 तक जहां जल को लेकर टकराव के 111 मामले सामने आए थे, वहीं 2009 से 2019 के बीच इन टकराव के मामलों की संख्या 388 पहुंच गई है। अफ्रीकी देशों की बात करें तो 2009 में टकराव के मामले मात्र 68 थे, जो 2009 से 2019 में बढ़कर 150 हो गए। लेटिन अमेरिका व कैरिबियाई देशों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ 2000 से 2009 में टकराव के जहाँ मात्र 18 मामले थे, वे 2009 से 2019 के बीच बढ़कर 61 पहुँच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।